आई एम रियली सॉरी शुभ्रा, मुझे ना बच्चों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, ना मैं उन्हें छोड़ के जाती और ना ये सब होता। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके संजना, मैं भी कहाँ बच्चों पर 24 घंटे नजर रख पाती हूँ। बच्चों के साथ तो ये सब होता रहता है। रोली, ऋषि बेटा गर्म पानी पी ले, गोटी निकल जाएगी। ऋषि मिस रोली चड्डा, तुम्हारी यूनिफॉर्म गंदी हो रही। चलो उठो। नाटक निकल गई गोटी, निकल गई आई। थैंक गॉड। ए शुभ्रा, कल रात वहां सब ठीक था ना? जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, देर हो रही है, जल्दी जा। और टिफिन भी रखना भूल गई मैं। शुभ्रा ठीक से घर पहुंच गई या नहीं बताने की जरूरत ही नहीं समझी उसने। अरे कॉल नहीं तो मैसेज ही भेज देती, ऐसा भी क्या। नहीं बच्चों को क्या कहा होगा उसने, क्या सोचते होंगे रोली और ऋषि मेरे बारे में। हे व्हाट्स रॉन्ग विद यू चड्डा? किसी ने कॉल नहीं किया, ना शुभ्रा ने ना बच्चों ने। I'm worried। पता नहीं शुभ्रा ने वहां पर क्या कहानी बताई होगी। मैं तो हूं नहीं वहां अपनी बात बताने के लिए, तो बच्चे तो यही सोच रहे होंगे कि मैंने उनकी मम्मी को हर्ट किया, छोड़ दिया सबको। तुमने कुछ नहीं किया है चट्टा, बल्कि शुभ्रा ने किसी डेली सोप की हीरोइन की तरह मंगलसूत्र उतारकर तुम्हारे मुंह पर फेंका है। रिश्ता उसने तोड़ा है। यार शुभ्रा, तुमने बताया नहीं कल रात सब ठीक था ना वहाँ? हाँ आई, पापा कैसे हैं? और आपका स्पेशल डे अच्छा था ना? हाँ मामा, पापा आपको देख के बहुत खुश हुए होंगे ना? पापा बहुत 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 खुश हो गए। इतना खुश तो पापा को मैंने कभी देखा ही नहीं। फिर हमने करवा चौथ की पूजा की, पापा मुझे एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर हमने बहुत सारा खाना खाया और ढेर सारी बातें करते रहे। लेकिन मम्मा, बस अब और एक सवाल नहीं। स्कूल में असेंबली के लिए लेट हो जाओगे ना तुम दोनों? चलो जल्दी जल्दी स्कूल जाओ। बाय मम्मा। बाय 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 आई। बाय।
अब बताओ क्या हुआ वहां। और प्लीज जो ऋषि और रोली को बताया ना वो नहीं सुनना मुझे। आई नो मुंबई में डेफिनेटली कुछ तो हुआ है, क्योंकि इन 12 सालों में मैं तुम्हें पहली बार बिना मंगलसूत्र के देख रही हूं। सो अब बता क्या हुआ वहां। यू नो ना हाउ मच आई लव यू, फिर भी शुभ्रा के साथ तुम्हें शेयर करने के लिए राजी हुई मैं, ताकि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सको। और देखो मुझे मेरी अच्छी सोच के लिए क्या मिला, थप्पड़। यू नो व्हाट चड्ढा, वो मेरे साथ कितना भी मिसबिहेव क्यों ना करे, उसका रात के वक्त ऐसे अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। I'm also worried about her. इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें इतनी फिक्र है उसकी। Of course यार, अगर शुभ्रा का मूड ठीक नहीं होगा तो बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, और अगर बच्चे खुश नहीं होंगे तो तुम भी खुश नहीं होगे, और तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें कुछ भी कर सकती हूँ चट्टा, कुछ भी। फिर चाहे शुभ्रा को क्यों ना खुश रखना पड़े, के सांस लोगी शुभ्रा। जो कुछ अंदर भर रखा है ना उसे बाहर निकालो, वरना ये दुख तुम्हें खत्म कर देगा। रो लो जी भर के, चिल्ला लो यार, लेकिन कुछ तो करो, ऐसे रोबोट के जैसे बिहेव मत करो। मेरे अंदर की बीवी चीख चीख कर रोना चाहती है संजना, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को अपनी तकलीफ कैसे बताए। वो टूट जाएंगे संजना, और मैं अपने बच्चों को टूटते हुए नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं देख सकती। मैं भी नहीं देख सकती अपनी बेटी को इस तरह टूटते हुए। मैंने ही बुलाया है आंटी को, तुम्हें देखते ही समझ गई कि कोई बात जरूर है, और इस वक्त सिर्फ तुम्हारी माँ ही तुम्हें संभाल सकती है। मुझे पता आई अभी तो क्या बोलेगी, कुलदीप को दोष देगी, उसे कोसेगी, ये सब अभी मैं सुनना नहीं चाहती।
शुभ्रा मजोपाल शुभ्रा शुभ्रा शांत हो जा बेटा मत रो बेटा तुझे बाबा ने जो शपथ दी थी ना शुभ्रा से मत मिलना क्यों आई तू मेरी बेटी है तो मैं भी तेरी माँ हूं और जब बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना तो कोई भी शपथ एक माँ को उसके बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकती गई क्या तंबोला में हारने का डर नहीं है मुझे तो मधुरा बहन जी ने कहा था कि नंबर वो सुनाएंगी इसलिए अब बहाने नहीं चलेंगे चांदरानी आके गेम स्टार्ट करो 5 मिनट मेरी फ्रेंड का इंतजार करने से ना बुड्ढी नहीं हो जाएगी तू भाई बड़ी उन्हें पूछती है कितने पहुंची पहुंचे
बहन जी वो मैं आज तंबोला खेलने नहीं आ सकती हूँ। मेरे बेटे के घर पे हूँ ना, तो आपकी आवाज को क्या हो गया? तो उसे ठीक हो ना? नहीं वो मेरे मेरे बेटे के घर पे हूँ ना, वो उसके उसके नवरे ने धोखा दिया उसे, मेरे बेटे को और उसके बच्चों को छोड़ के चला गया। बेचारी अकेली मेरी बच्ची, दो बच्चे हैं उसके, कैसे करेगी, कैसे सब संभालेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। पता नहीं पापा मेरे बच्चों का क्यों उसके साथ ऐसे हो रहा है। तुसी चिंता ना करो जी। चांद्रानी क्या होते हैं, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, है? आप अपनी बेटी का ख्याल रखो। मैं हुणे आनी हूँ, ठीक है? अभी आ रही हूँ, अभी। क्या हुआ, पापा को मिस कर रहा है? आज आई वैसी नहीं लग रही ना जैसे रोज लगती है। मतलब? पता नहीं, मूड तो ठीक था पर कुछ तो गड़बड़ है। आज आई ने मेरे पैनकेक पर इमोजी ही नहीं बनाया और मेरा बैग भी रेडी नहीं किया। करेक्ट, आज मम्मा ने अपनी फेवरेट लाइन भी नहीं बोली। रोली शैतानी मत करना, अगर मैं तो जे बोलती तो तू बोलता इतना मत सोच रोली, इसलिए मैंने नहीं बोला। पक्का कोई तो प्रॉब्लम है। पापा से मिलने गई थी ना कल मम्मा, वो याद कर रही होंगी, टेंशन मत ले। एकदम मन नहीं कर रहा खाने का भी। अरे नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी ना, फिर बच्चों को कौन देखेगा? हाँ तेरा मन नहीं है ना, फिर भी खाना ही पड़ेगा। थोड़ा तो खा मेरी प्यारी बच्ची, खा जा। गुड गर्ल। रुक, तू कहाँ जा रही है? तू खा, मी बकते, तू खा, सब खत्म कर। हाँ जी आसपास की किसी दुकान का ही नाम लिख देती, आधे अधूरे एड्रेस पे आई हूँ मैं। वैसे चड्डास क्यों लिख रखा है यहाँ? वही तो रोना है ना बहन जी, वो सब छोड़िए मेरी बेटी से मिलाती हूँ। चलो चलो। अरे पेशेंट कहाँ है, बुलाओ कुड़ी नू। डॉक्टर चांदरानी के हाथ से दो चार खुराक मिल जाएगी, एकदम टकाटक हो जानी हो कुड़ी। बुलाओ जी। ये रही। ये कौन है? यही है जिसे चांद्रानी की दवाई की जरूरत है, मेरी बेटी शुभ्रा। शुभ्रा ही माझी मैत्रीण,
मेरी बेस्ट फ्रेंड चांदरानी जी। इतनी बेवकूफ है तू चांदरानी, दरवाजे पर नाम देखकर भी कुछ समझ में नहीं आया। दूर उठो।